नमस्ते फ्रेंड्स, मैं वैशाली वैशालीज गार्डन से। आज हम कुछ मार्च महीने में किए जाने वाले काम करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है गार्डनर के लिए। न्यू हो या हमेशा बरसों से काम कर रहे हो, फिर भी उनको ये सारे काम मार्च महीने में करने ही पड़ते हैं, क्योंकि यही सही टाइम होता है नए नए गमले तैयार करना, प्रूनिंग करना और कुछ प्लांट्स की गुड़ाई करना। देखो अभी मिट्टी कैसे एकदम हार्ड हो गई है, तो इसकी गुड़ाई करना ज़रूरी है। कुछ प्लांट्स को है जो बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा रूट्स बॉन्ड हो रहा है, उनको भी हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जो प्लांट्स ऐसे अलग अलग किसी का ये चल रहा है, देखिए कुछ प्लांट्स जो है डॉर्मेंसी में जा रहे हैं, कुछ प्लांट्स जो है देखिए अभी रोज देखिए कितना सुंदर हो रहा है। अभी उसमें खाद डालना पड़ेगा थोड़ा सा और उसको गुड़ाई करना पड़ेगा। आज हम सारे रोज प्लांट्स की गुड़ाई कर रहे हैं। मैंने सारे ही रोज प्लांट्स निकाल दिए हैं, जितने भी है मेरे पास 6-7 वैरायटी के, वो सब निकाल दिए हैं मैंने। इसमें जो घास वगैरह कुछ बनी हुई है उसको निकालना है, ताकि प्लांट्स को हम जब भी खुद बढ़ने में आसानी हो जाए। देखिए बहुत मिट्टी हार्ड हो गई है, तो इसको खाद डालने से पहले गुड़ाई करना बहुत ही जरूरी है। ये मेरे 2 साल पुराने प्लांट्स हैं, अभी इसमें अच्छी ग्रोथ भी हो रही है, फ्लावरिंग भी, बर्ड्स भी आ रही है बहुत सारे। तो फिर ये पहले काम कर लेती हूँ मैं, तो बाद में देखिए। हम जब भी गुड़ाई करते हैं तो प्लांट्स को ब्रीथिंग लेने में बहुत अच्छा आसानी मिलती है और प्लांट्स की बढ़त भी बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए और कुछ प्लांट में क्या होता है, ऐसे नीचे से रोज की ग्रोथ हो जाती है, लेकिन ये ग्रोथ कुछ ठीक नहीं होती है। देखिए ये दिख रहे हैं, तो इसको निकालना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा ऊपर का प्लांट धीरे धीरे मरता है और ये चलता है लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। देखिए इसको निकालना पड़ेगा, तो अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। तो देखिए कैसे, ये बेकार का है, ये रोज नहीं है क्योंकि यहाँ से ग्राफ्टिंग की हुई है, तो ये जंगली पौधा है, जंगली रोज है, उसकी बढ़त हो रही है। देखिए तो हमारी अभी गुड़ाई चल रही है, तो अब हम इस प्लांट्स की गुड़ाई करेंगे और फिर इसमें खाद डालेंगे। चलिए तो हम अभी क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स की गुड़ाई करते हैं और फिर इनमें, आज तो हो नहीं पाएगा सारे प्लांट्स को गुड़ाई करके खाद डालना, लेकिन आज बस पहले गुड़ाई कर लेते हैं और फिर उसमें खाद डालेंगे। देखिए मिट्टी बहुत ही हार्ड हो चुकी है, एकदम हार्ड नहीं निकल रही है। रोज कुछ थोड़ा थोड़ा करके
मेरे तो बहुत सारे प्लांट्स थे, तो एक साथ तो सारे नहीं हुए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके रोज हम लोग ये प्लांट्स की गुड़ाई 4-8 दिन में ख़त्म कर देंगे। देखिए ये जो घास वगैरह है प्लांट्स में आई हुई, उसको भी निकालना ज़रूरी है। हमें सबसे पहले प्लांट्स की सारी गुड़ाई करके लेनी है। बहुत ही मिट्टी हार्ड हो गई है, देखिए मैंने कुछ प्लांट्स की कर भी ली है, देखिए इस तरह से। और जो ये घास वगैरह उग जाती है प्लांट्स में, तो उसको निकालना भी बहुत ज़रूरी है, देखिए, ताकि हमारे प्लांट्स की बढ़त अच्छी हो जाए। इसलिए ये जो ग्रास वगैरह उग जाती है प्लांट्स के बीच में, तो उसको निकाल के हम लोग अभी खाद डालेंगे इसमें। इस मौसम में फरवरी और मार्च के महीने में हमें प्लांट में गुड़ाई प्रूनिंग, मैंने पूरी प्रूनिंग तो कर दी है, देखिए सारे टिप्स मैंने काट लिए हैं जितने भी ज़रूरी थे, देखिए और अच्छा फुटाव भी हो रहा है अभी, देखिए कैसे लग रहा है, एकदम बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको हम खाद डालेंगे। देखिए गुड़ाई तो हो चुकी है, अब हम इसमें प्लांट की रूट्स के साइड से एकदम नज़दीक से नहीं, 2-4 इंच छोड़ के हम लोग DAP की खाद डालेंगे। अभी मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैं यही डाल रही हूँ। जब नीम खली वगैरह आएगी तो उसके बाद मैं 8-10 दिन के बाद डाल दूँगी। देखिए इस तरह से हमें डालना है। और फिर क्या करेंगे, फिर इस खाद को अच्छे से ढक देंगे, देखिए इस तरह से। अभी फ्लावरिंग के लिए प्लांट हमारा तैयार है रोज का, तो देखिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है और बहुत ही सुंदर कलर है इसमें, रेड है, येलो है, पिंक है, बेबी पिंक है, बहुत सारे कलर है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जगह पर रख के बाकी काम शुरू कर देते हैं। तो मैंने अपने सारे रोज़ प्लांट की गुड़ाई कर दी है और उनको अभी जगह पर रख दिया है, देखिए बहुत ही अच्छे से चल रहे, देखिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इनमें सारे ही प्लांट्स में, देखिए छोटा हो या बड़ा हो सारे ही प्लांट्स में रोज़ के बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे काम गुलाब के पौधे में अभी करना बहुत ही ज़रूरी है।